इसके $5 हुए, शुक्रिया, फिर आना। अब हमारी बारी आने वाली है मॉम, अगला कौन है? मैं आपके लिए क्या करूं? मैं सारे बबल्स लूंगा। ये बढ़िया है, मुझे बबल्स पसंद है, ये जादुई होते हैं। हाय, मुझे थोड़े बबल्स चाहिए प्लीज। हाँ, एक सेकेंड रुको, वो कहाँ गए? यहाँ यहाँ कुछ नहीं बचा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे माफ करना बच्चे, सब खत्म हो गया। आओ, ये सही नहीं है, चिंता मत करो हनी, यहाँ कुछ तो जरूर होगा जो तुम्हें पसंद है। एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो, मुझे ग्लू गन की जरूरत है, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा स्वीटी। प्रूफ पेपर को हीट करने के लिए मैं ग्लू से छोटे सर्कल्स बनाऊंगी और फिर मैं ग्लू को सेट होने दूंगी। अगला, मुझे मेरी नेल पॉलिश चाहिए, मैं इससे ग्लू को पेंट करूंगी, फिर मैं नेल पॉलिश को ड्राई होने दूंगी। अब मैं इसे वेंडीज के नेल पर चिपका दूंगी। वाहो, ये बहुत कूल है। और मेरे पास यहाँ कुछ सोप है, इन सब बबल्स को देखो। हे भगवान, ये डॉल बहुत क्यूट है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। उसके बालों को देखो। कोई बात नहीं डॉली, हम ये कर सकते हैं। ये ड्रेस पेरिस से है। हाय, मेरे पास भी डॉल है। ओह हनी, वो डॉल नहीं है, वो सिर्फ गार्बेज है। मेरा मतलब, उसे जरा देखो तो सही। मैं तो इसे पब्लिक में शर्म के मारे दिखा भी नहीं सकती, लेकिन मुझे पसंद है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो इतने बुरे क्यों है? मुझे बुरा लग रहा है, शायद मुझे नई डॉल लेनी चाहिए। मैं सभी पिगी बैंक से पैसे ले लूंगी। इतने काफी नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने और भी जगह पैसे छुपा रखे हैं। अभी भी कमी है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, काश ये काम करे। अच्छी स्माइल कौन चाहता है? चलो बिटूथ फेरी, अपना काम दिखाओ। उम्मीद है इसके नीचे पैसे हो। जैकपॉट, इन सभी पैसों को देखो। वाओ, इन सभी टॉयज को देखो, यहाँ चूज करने के लिए बहुत कुछ है। वाओ, उसे देखो, ये परफेक्ट डॉल है। सब लोग बहुत जेलस होंगे, तुम मेरे साथ चलोगी? हाय, मैंने ये डॉल देखी है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे ये चाहिए। ठीक है, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। ये लो। वो बच्चे, क्या तुमने बैंक से चोरी की है? बस टूथ फेरी, मैं बहुत खुश हूँ, उसके पास मेरे से बेहतर डॉल नहीं हो सकती। ये अब तक का बहुत अच्छा दिन है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। खैर, हेलो, ये रही प्रिटी डॉल, लेकिन मुझे लगता है इसे मेकओवर की जरूरत है। वो बहुत मजेदार था, हर जगह बाल थे, वो इसे इग्नोर नहीं कर सकते। रुको, ये क्या हुआ? तुम्हारे सुंदर बाल, वो चले गए, मुझे जाना होगा। मैं सोच रही हूँ एमिली को क्या हुआ है, अब मैं क्या करूँगी? रुको, मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। मुझे मेरी फॉलिकली चैलेंज डॉल चाहिए और एक 3D पेन चाहिए। फिर मैं डॉल के चेस्ट से ड्रॉ करना शुरू करूँगी। मैं छोटी लाइंस बनाऊंगी, फिर मैं दूसरा कलर लूंगी, व्हाइट प्लास्टिक से लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाऊंगी, इनके बीच में स्पेस रखूंगी। ये स्कर्ट होगी, लेकिन मैं इसके बाल नहीं भूलूंगी। मैं 3D पेन से लंबे ब्लैक स्पाइरल्स ड्रॉ करूंगी। मैं तब तक करूंगी जब तक इसके सर पर बहुत सारे बाल आ जाएं। क्या आउटफिट है, तुम शानदार दिख रही हो, मैं तुम्हें दिखाने का इंतजार नहीं कर सकती, हमें अच्छा दिखना है। हे, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ है, मुझे विश्वास नहीं होता। लड़कियों रुको, वाओ, ये बहुत स्टाइलिश है, मुझे कर्ल्स पसंद आए, उसने कैसे किया? ये मेरे पोस्टर के लिए परफेक्ट जगह है, ये सुंदर दिख रहा है। अब मैं यहाँ पार्टी हैट्स रखूंगी, उम्मीद है इतनी सबके लिए काफी हो, और मैं एक अपने लिए रखूंगी। चलो ट्राई करें। ओह, ये सुंदर दिख रही है, मुझे लगता है मैं तैयार हूँ, मुझे बस। ओह ठीक है, मैं समझ गई, मुझे नहीं पता था। हाँ, क्लास खत्म हो गई, जब तुम मजे कर रहे हो तो टाइम जल्दी खत्म हो जाता है। मैं अपना बैग लेती हूँ, अब समय है जाने का। फिर क्या दिन था, पर अब मैं घर में हूँ, मैं अपना होमवर्क कर लेती हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है। हाँ, मेरी बुक्स कहाँ हैं? ये किस किस स्नीकर्स हैं? उन्हें वॉश करना होगा, मुझे सोचने दो, वो बढ़िया वर्कआउट था, मुझे इसके साथ में क्यों बैठना पड़ता है, मैं शायद गलत बैग ले आई, बहुत बुरा हुआ। चलो काम करते हैं, नो पेन नो गेन, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। ये क्या है, एक पॉपेट, ये मजेदार है मॉमी, और अब मैं बोर हो रही हूँ। मॉम, मुझे नया टॉय चाहिए।
हाँ, मुझे टॉय चाहिए। आओ ठीक है, रुको, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए हमारे पास जरूर कुछ होगा। रुको, हमारे पास कोई टॉयज नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, परेशान मत हो, सब ठीक होगा। मेरे टॉयज, क्या मैं मदद करूँ? मुझे बैग दो। तुम मॉन्स्टर, ये तुम कैसे कर सकती हो? ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मुझे माफ कर दो। ऐसा क्यों होता रहता है? एक सेकंड रुको, मेरे पास आइडिया है। मुझे यूनिकॉर्न पॉपर चाहिए और थोड़े जेम्स। मैं इन जेम्स को डिम्पल्स में लगाऊंगी। अब मुझे ग्लू गन चाहिए। अब मैं पॉपेट में ग्लिटर ग्लू डालूंगी। मुझे सारे जेम्स को कवर करना है, ये बहुत शानदार दिखेगा। अब मैं ग्लू का सूखने तक का इंतजार करूंगी। अब मैं पॉपेट में से ग्लू निकालूंगी। मेरे पास मेरे बैग के लिए जादुई दिखने वाले टैग्स हैं। मुझे कहाँ बैठना चाहिए? ओ, ये रही सीट। ये केक स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस बीते हुए वीक के लिए एक ट्रीट डिजर्व करती हूँ। ये अच्छा था, मुझे चलना चाहिए। अपना बैग ले लेती हूँ। ओ वाओ, इसे देखो। रुको, हिला मत। ये मेरा बैग है। मैं इस यूनिकॉर्न को देखकर बता सकती हूँ। देखा, ये यहाँ है। मुझे इससे पता चलता है, प्रिटी क्यूट। हाँ, वाओ, मुझे पसंद आया। इसके लिए माफ करना। ये मेरा बैग है, चिंता मत करो। शुक्र है मेरे पास तुम हो। मुझे क्लास में जाना चाहिए। ओह, ये मैथ्यू है और ये वेंडी के साथ है। काश ही मुझसे बात करे, वो बहुत सुंदर है। उसे देखो, एक लड़की इसे सोच सकती है। रुको, मुझे पता है क्या करना है। ये मेक ओवर करने का समय है। वाओ, इन सुंदर कपड़ों को देखो। मुझे यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ये शानदार है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? ओ, ये ग्लासेस बढ़िया है, मैं इसे ट्राई करती हूँ। मैं इन पुराने पेयर को रख देती हूँ। ओ देखो, एक हेयर क्लिप, इससे मेरे बाल और सुंदर लगेंगे। मैं अभी से अच्छा महसूस कर रही हूँ। अगला क्या है? हाय, क्या मैं मदद करूँ? वाओ, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। एक मिनट रुको, इसके $60 हुए। वाओ, क्या डील है, मैं पैसे देती हूँ। मेरे पास ज्यादा कैश नहीं है। ओह नहीं, मुझे नहीं लगता मैं इन्हें खरीद सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई डिस्काउंट भी मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्हें वापस रखो, मुझे बहुत पसंद थे। तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। अब जाओ यहाँ से। रुको, मुझे बुरा लग रहा है। ये मैगजीन ले लो, इससे तुम्हें कुछ फैशन टिप्स मिलेंगी। वो बहुत शर्मनाक था। मुझे लगता है मुझे मैथ्यू की अटेंशन कभी नहीं मिल सकती। जिंदगी में बहुत दुख हो सकते हैं, लेकिन कम से कम मुझे फ्री मैगजीन मिल गई। रुको, मेरे पास आइडिया है। ये काम करे, मैं हीट प्रूफ पेपर को ग्लासेस की इमेज के ऊपर रखूंगी। फिर मैं अपनी ग्लू गन लूंगी। फिर मैं फ्रेम को ग्लू से ट्रेस करूंगी। उसके बाद ग्लासेस के लिए लेग्स ड्रॉ करूंगी। मुझे इन दोनों को सेम रखना है। अब ग्लू को ड्राई होने दूंगी। फिर मुझे मेरी नेल पॉलिश चाहिए। मैं इसकी मदद से फ्रेम को पेंट करूंगी। इससे बढ़िया और शाइनी कोट हो जाएगा। मैं ऐसा सेम लेग्स के साथ भी करूंगी। लेकिन मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं फ्रेम्स को उल्टा करूंगी। मुझे फिर से ग्लू गन चाहिए। मैं कॉर्नर्स में थोड़ी ग्लू लगाऊंगी और फिर लेग्स को वहाँ चिपका दूंगी। मैं ऐसा ही दूसरी साइड पर भी करूंगी। मेरे पास नए ग्लासेस हैं। अब मैं हीट प्रूफ पेपर पर ग्लिटर को स्प्रिंकल करूंगी। इसे एक लाइन में अरेंज करूंगी। उसके बाद इसके ऊपर ग्लू गन लगाऊंगी। मुझे ग्लिटर को कवर करना है। फिर मैं और ग्लिटर ऐड करूंगी। मैं इसके ऊपर और हीट प्रूफ पेपर लगाऊंगी। इसको आयरन से फ्लैट करें, इससे ये स्मूथ हो जाएगा। मुझे अगले पार्ट के लिए सिजर्स चाहिए। मैं ग्लू को थिन स्ट्रिप्स में कट करूंगी। इसको क्लिप में अटैच करूंगी और बालों में लगा दूंगी। अब ग्लासेस की बारी। उम्मीद है माथी को मेरी नई लुक पसंद आएगी। वो एमिली, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मेरी नई लुक मुझे बहुत पसंद आई। ओह हाय मैथ्यू। हाय एमिली, वाओ तुम शानदार दिख रही हो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो तुम स्कूल के बाद क्या कर रही हो? हाय वेंडी। माफ करना, हाय, ये क्या है? ये मेरे नए एयरपॉड्स हैं, मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं मैं इनके बिना क्या करती। मैं देख सकती हूँ? खैर ठीक है, पर ध्यान से। मुझे बहुत पसंद आए, मुझे भी लेने चाहिए। जी ना, नहीं, कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। मैं जानती थी यही होगा। तड़ा, क्या हुआ? क्या ये पहले से टूटा हुआ था? मुझे माफ कर दो, ये गलती से हुआ। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? रो मत प्लीज। रुको, मैं जानती हूँ ये कैसे ठीक होगा।
बहुत जल्द ये केस ठीक दिखेगा। सबसे पहले मुझे प्लास्टिक ग्लू चाहिए। केस के ऊपर पतली सी लाइन बनाएंगे, इतना काफी है। अब हमें ट्वीजर्स चाहिए, इनसे हम ये जेमस्टोन्स केस पर लगा देंगे। हाथ स्टिकी नहीं होने चाहिए, अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे और आगे पीछे कर लगाएंगे। एकदम आराम से, ये परफेक्ट होना चाहिए। बस वेंडी गुस्सा ना हो जाए। कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। जब ये हो जाए तो एक और रो बनाएंगे, इन्हें एकदम साफ सुथरा लगाएंगे। बहुत कलरफुल होने वाला है। अब केस के आखिर तक पहुंच जाएंगे और अब साइड्स पर लगाएंगे। ये पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए, बस आखिरी स्टोन बचा है। अरे वाह, मैं इसे वेंडी को दिखाने का इंतजार नहीं कर सकती। देखो मेरे पास क्या है, ये तुम्हारा नया एयरपोर्ट केस है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। अरे वाह, तुमने ये मेरे लिए किया। थैंक्स जीना, हमें थोड़ा म्यूजिक सुनना चाहिए। ये लो, हम क्या सुनने वाले हैं? मुझे गाना बहुत पसंद है। तैयार हो? रुको, मैं इसे प्रेस करूं? प्लीज प्लीज प्लीज, चलो भी। हाँ ठीक है, कर लो। तो चलो, क्या कुछ होगा भी? हाँ, अजीब बात है, दोबारा ट्राई कर लेती हूँ। चलो भी, शायद भी खराब है। तो अब हम घर चले। ओह, हेडफोन्स, शुक्रिया। मुझे गाना बहुत पसंद है। चल भी जाओ, बकवास बटन, ये किसी काम का नहीं है। रुको, तुम्हें कहाँ से मिले? हे जैस्मिन, यहू। बहुत रूड है, शायद ये काम करे। जैस्मिन, ला 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 ला। सच में? मैं जानती हूँ, ये जरूर काम करेगा, पर थोड़ा लाउड होगा। हाँ, अजीब है, इसे क्या हो गया है? ला 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 ला। क्या, ये क्या हो गया है? अब मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं करूंगी। मेरे पास एक और आइडिया है, मैं उधार ले रही हूँ पक्का। हे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, छोड़ो इसे। तो मजाक ही था, यहाँ दो सारे के सारे, बुरा मत मानना। और हाँ, वाह जैस्मिन, अब मैं क्या करूँ? समझ गई, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। पहले एक सर्कल बनाएंगे, इसके अंदर एक की होल की शेप रहेगी। अब इसे फिल करेंगे, बस ये लाइंस में रहे। बस हो ही गया। हाँ, इतना काफी है। अब कुछ वर्टिकल लाइंस बनानी होगी, इसमें जगह नहीं छोड़नी। पता है, ये बहुत रिलैक्सिंग है, मेरी स्ट्रेस कम होती जा रही है। हाँ, अब आगे हम इस तरह लाइंस बनाएंगे, इससे एक फ्रेम बनेगा। दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे और फिल कर देंगे। अब इसे साइड पर रख देंगे और दूसरा हिस्सा, साथ साथ बहुत सारी लाइंस बनाएंगे। प्लास्टिक की एक लंबी स्ट्रिप बनाएंगे, बस थोड़ा सा और, ये परफेक्ट है। इसे मोड़ेंगे और सर्कल्स अटैच कर देंगे। मेरे ईयरफोन्स इसके बीच में लग सकते हैं। अब मेरे पास खुद के हेडफोन्स है। ओह, कितना बढ़िया गाना है जैस्मिन, देखो। हाँ, वाह, ये तो बहुत कूल है मैंडी, मैं जानती हूँ, है भी तो अनोखे। चलो डांस करें। गुड नाइट जीना। हाँ, ये आवाज कैसी है? क्या वहाँ कोई है? शायद मैं फालतू का सोच रही हूँ, दोबारा सोने की कोशिश करती हूँ। ये क्या है? अच्छा नहीं लग रहा, जाओ निकलो यहाँ से। मॉम, क्या हुआ स्वीटी? मेरे रूम में एक मॉन्स्टर है। कोई बात नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। हे, मैंने सुना है, बहुत डरावना था। तुम बिल्कुल सेफ हो। ओह, मैं समझ गई, लाइट्स ऑन कर देती हूँ। थैंक्स मॉम। मेरी आँखें, मैं सो नहीं पा रही, मत जाओ मॉम। क्या हुआ? बहुत तेज है। माफ करना स्वीटी। रुको, शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। हमें एक ग्लू स्टिक चाहिए, हमेशा काम आती है। बस एक मिनट दो, ये प्यारा सा हार्ट मोल्ड इस्तेमाल करेंगे
और हार्ट्स में ग्लू डालेंगे। इन्हें बिल्कुल ऊपर तक भरते जाएंगे, पूरे मोल को भर देंगे। अब ग्लू को सेट होने देंगे। अब इन्हें निकाल लेंगे। सिलिकॉन मोल की वजह से यह आसान हो जाता है। कितना बढ़िया लग रहा है और मजा आ रहा है। अब मोल की और जरूरत नहीं है। ग्लूगन को गर्म कर लेंगे। अब नोजल को हार्ट के अंदर डालेंगे। इससे एक होल बन जाएगा। सारे हार्ट्स के साथ ऐसा ही करेंगे। होल्स एक ही साइज के होने चाहिए। सब में हो गया। अब हार्ट्स में हम फेरी लाइट्स डालेंगे। क्या फिट आया है। ज्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत बढ़िया दिखेगा। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। जीना को ये बहुत पसंद आएगा। कितना प्यारा लग रहा है। हाँ हो गया। अब लाइट्स ऑन करेंगे। वाह बहुत ही बढ़िया। ये सबसे अच्छी नाइट लाइट है। थैंक्स मॉम। बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तुम्हें सुबह मिलूंगी। ये बेहतर है। रुक जाओ। नहीं क्या हम वॉर करते हैं। मैं पहले ही बता दूं मैं एक प्रो हूँ। हाँ काफी अच्छी हो। मुश्किल हो रहा है। हार मान भी लो। बेंडी का ध्यान कहीं और है। तुमने चीटिंग की। वो जाइए देखो वो क्या रहा है। हम कहाँ हैं? क्या चल रहा है। मेरी तरफ मत देखो। बहुत गर्मी है। हाँ जरा रुको। ये क्या है। क्या ये स्कॉर्पियन है। अरे नहीं जैस्मिन तुम क्या कर रही हो। वो कहाँ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम ठीक तो हो। मुझे पानी चाहिए। जो भी हो बहुत गर्मी है। मैं अपना पसीना भी इकट्ठा कर सकती हूँ। सच में है तो ये पानी ही। मेरे मैनर्स कहाँ गए। तुम्हें चाहिए। शुक्रिया। बहुत प्यास लगी है। ये क्या है। काफी अलग चीज है। ये अक्सर देखने को नहीं मिलता। मैंने तो ऐसा मूवीज में ही देखा है। वो ये काफी बेहतर है। ये देखो जूसी वाटरमेलन। मुझे यही तो चाहिए। खुशबू कितनी अच्छी है। ओह चलो भी। क्या बकवास है। शायद ये काम आए। अब हम क्या करेंगे। रुको मेरे पास एक आइडिया है। पहले एक मून की शेप बनाएंगे और फिर वर्टिकल लाइन से फिल करेंगे। हर लाइन के बीच में जगह छोड़ेंगे। अब इसके नीचे एक लाइट ग्रीन की लाइन आएगी और नीचे आते जाएंगे। हाँ इतना काफी है। अब रेड कलर लेंगे। पैटर्न वही रहेगा पर नीचे जाते जाते ये छोटा होता जाएगा और ये वाटरमेलन के स्लाइस जैसा दिखेगा। देखा अब डिटेल्स बनाएंगे। ये बहुत आसान है। ब्लैक सर्कल्स ही बनाने हैं। पूरे रेड वाले सेक्शन पर रहेंगे। ट्रायंगल की टिप पर एक होल करेंगे और वाटरमेलन स्लाइसेस इसके ऊपर रखेंगे और एक प्लास्टिक टाई लेकर इन होल्स के बीच में से निकालेंगे। अब इसे जोड़ देंगे। ये फैन बन गया और इतनी गर्मी में ये परफेक्ट है। वाह इससे राहत मिलेगी। वाह ठंडी हवा आ रही है। हे भगवान जैस्मिन मुझे माफ कर दो। डरा दिया। मुझे तो ये पीछे से मिला था। तुमने ऐसा क्यों किया। ये कोई मजाक की बात नहीं है। कम से कम मेरे पास फैन है। तैयार हो लड़ो। ये लो लूजर। बहुत अच्छी बनी। क्या तुम्हारी लात। ये तो निकल आई। मैं कोई बड़ी बात नहीं। मेरे पास और भी बहुत सारे खिलौने हैं। मैं कौन सा चुनूं। ओह ये बढ़िया है। इसके अंदर क्या होगा। वाओ इतनी सारी स्टफ है जैसे कोई फ्लफी क्लाउड हो। जीना मैं तुम्हारे लिए कुकीज लाई हूँ। जीना ये तुमने क्या किया। बेचारा डायनासोर। नहीं मैं बहुत मजा कर रही हूँ। ओह हे माँ क्या करना चाहती हो। तुमने अपने सारे खिलौने खराब कर दिए। ये मैंने क्या किया। मैं एक मॉन्स्टर हूँ। रोना बंद करो। उदास मत हो।
ये लो, मैं अभी आती हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगी। इस कैरेक्टर के पेपर पर अलग अलग वर्जन बना लेंगे, अब 3D पेंसिल से फिल करेंगे आउटलाइन को फॉलो करते हुए। ये बहुत आसान हो जाता है और ड्रॉ करने का मजेदार तरीका है। हाँ, पहला हो गया। अब साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, फिर से आउटलाइन के साथ साथ ही करेंगे। अब अगले स्टेप पर चलते हैं, इसे जोड़ना होगा। फ्रेम बनाने के लिए हमने दो पीसेस को साथ में जोड़ दिया है। अब इसे फिल करने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करेंगे। पूरे फ्रेम पर छोटे छोटे स्पैन्स बनाते जाएंगे, जैसे हम ड्राइंग में कलर करते हैं। लाइंस को साथ साथ ही रखेंगे और पूरा करते जाएंगे। मजा आ रहा है, निटिंग करने से भी ज्यादा मजेदार है। ये परफेक्ट होना जरूरी नहीं, पर जितना कवर हो सके उतना करते जाएंगे। इसी के साथ बाद में काम करना आसान होगा। बस पूरा होने ही वाला है, थोड़ा ही बाकी है। पहली साइड पूरी हुई, अब दूसरी साइड पर काम करेंगे। इस साइड पर भी ऐसा ही करेंगे। हम बस बड़ी बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते जाएंगे। अब जल्दी करते हैं, मैंने रफ्तार बढ़ा दी है। एक और पार्ट पूरा हुआ, अब जॉइंट्स पर करेंगे, लेयर्स बनाते जाएंगे। इस बार हम वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, इससे जितने भी गैप्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। अब इसके कानों की बारी, ये बेहतर है, अब ये शेप में आने लगा है। अब मुझे सैंड पेपर चाहिए, इसे प्लास्टिक के ऊपर अप करेंगे। वाह, जरा इसे देखो, जितना सोचा था उससे काफी बेहतर है। अब डिटेल्स बनाते हैं, आईज को ब्लैक कलर देंगे, एकदम बारीकी से काम करेंगे। अब दूसरी आंख के बारे, चलो कलर बदल दें, क्योंकि अब हम चीक्स बनाएंगे। काश मैं अपना मेकअप भी ऐसे कर पाती। रूज का ये वाला शेड मुझ पर सूट करेगा। अब एक ब्लैक पेन लेंगे और इसके इयर्स के टिप्स को इससे कलर करेंगे। बस इसके बीच के पार्ट को कलर करना है। एक चीज मिसिंग है, इसकी पूंछ, इसे पीछे की तरफ लगा देंगे और ये हो गया। बहुत बढ़िया लग रहा है। जीना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। सच में? हाँ, ये लो। वाओ, कमाल है मॉम, मुझे ये पसंद आया। देखो, इसे खींचने पर भी जुड़ा रहता है, मैं इसे बाइक भी कर सकती हूँ। मजे करो हनी, चलो तुम दोनों खेल लो, मैं टीवी देखूंगी। मेकअप जादू कर देता है, रास्ता साफ है, परफेक्ट। इन सब चीजों को देखो, कहाँ से शुरू करूँ? देखने में सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? हाँ, वाओ, मुझे फ्रूट सबसे ज्यादा पसंद है। एवा को पता भी नहीं चलेगा। वाह, खूबसूरत है। ये तो बुरा हुआ। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। नहीं, ये नहीं। छोड़ो। हे, ये क्या चीज है? बिंगो। पहले मैं कोने से शुरू करूंगी और अब एक और लेयर और एक और। नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। इसे लगाते जाए जब तक ये ऐसा ना दिखे। जब ये सब हो जाए तो एक मोटा सा रेड पीस ले और इस तरह का कुकी कटर। मुझे बस यही पीस चाहिए, बाकी का बाद के लिए रख लेते हैं। अब ऊपर ये हुक पीस लगा देंगे। टडा, परफेक्ट। मजा आ रहा है। हाँ, मजा खत्म हुआ। मैं तो बस बैठी हुई थी, जाना होगा। डरपोक, उसने मुझे एक नया नेकलेस दिया, जैसे ये मेरे लिए ही बना हो। कमाल है। वुल्फ के बहुत बड़े बड़े दांत थे, पर उसका दिल भी बहुत बड़ा था। तो जब प्रिंसेस ने उसका फर पकड़ा तो वो उसके पैरों में लेट गया और तब से वो हमेशा साथ रहे। और वो सो गई, मैं उसे ढक देती हूँ। अब आराम से निकलते हैं। ओ, बहुत तेज था। ओ, हट मत जाना। वो सो ही रही है। अरे नहीं, उसकी डॉल टूट गई। उसे पता चलेगा तो वो बहुत उदास हो जाएगी। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं?
मुझे पता है क्या करना है। इधर आओ डॉली, तुम्हें रिपेयर करते हैं। मुझे निराश मत करना 3D पेन, मुझे इस बार तुम्हारी जरूरत है। मैं इसे फिश स्केल्स की तरह बनाऊंगी ताकि मर्मेड टेल और अच्छी दिखे। और अब नीचे फिन्स। येलो से शुरू करना सही रहेगा, पर मैं बहुत ज्यादा लगाऊंगी ताकि और सुंदर दिखे। हो गया। और अब थोड़े फिनिशिंग टचेस, थोड़ा येलो ऊपर भी। और ये हो गया। ओह, कितनी प्यारी लग रही है, लगता है वो इसे देखकर खुश होगी। मुझे अपने ऊपर गर्व है। मैं डॉली को यही रख देती हूँ। अच्छे से सो जाओ, अब मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। वल्क को चेरी आइसक्रीम चाहिए। तैयार हो? चलो भी। रह गया। हाँ, मैं जीत गई। अब मैं ही बटन दबाऊंगी। ओह, कितनी प्यारी आउटफिट है, कितने खूबसूरत फूल है, खुशबू भी अच्छी है। मजा आ गया। हेलो वेंडी। हे भगवान, ये रिंग तो देखो। जैस्मिन, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, ये क्या कर रहे हो? ओह, तुम कितने रोमांटिक हो, ये कैसा मजाक है। बहुत हुआ, ये मेरी है। नहीं, मेरी है, ये मुझे दो। कभी नहीं। खैर, इसे छोड़ो। बस करो, तुमने तोड़ दी। डायमंड कहाँ है? तुमने ऐसा क्यों किया? रो मत, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। रोना तो बंद करो। मैं जानती थी, प्लीज रुक जाओ। मुझे अच्छी चीजें कभी नहीं मिलती, ये बहुत गलत बात है। मैं खुद की ज्वेलरी बनाऊंगी। हाँ, जरा रुको, मैं ये ठीक कर सकती हूँ। रिंग पर थोड़ी ग्लू लगाएंगे, अब इसे सेट होने देंगे और ग्लिटर में इसे डिप करेंगे। इस तरह इस पर स्पार्कल लग जाएगी। वाह बेंडी, ये तुम्हारे लिए है। एक रिंग मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। ये बहुत खूबसूरत है, तुम ये रख सकती हो। वाह शुक्रिया, तुम्हें कैसा लगा? बहुत पसंद आया, तुम बहुत अच्छी हो, हम अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा किया। हाँ, मैं सही थी, ये पॉपकॉर्न सच में अच्छे हैं। वो कहाँ है, वो कहाँ है? शायद उस तकिए के नीचे। तुम क्या कर रहे हो, ये तकिए मुझ पर फेंकना बंद करो। आपके पैरों के नीचे देख लेती हूँ। कुछ नहीं हुआ, मैंने हर जगह देख लिया। तुम्हें क्या हुआ है? मेरा एक इयररिंग घूम गया और मुझे मिल नहीं रहा। हाँ, खैर, ये लीफ उसकी तरह लग रही है। बस एक मिनट, मैं अभी तुम्हें ठीक करके देती हूँ। 3D पेन एक और बार मदद करने आ रहा है। ये रंग बहुत अच्छा है और देखो कितना चमकदार भी। अब दूसरी साइड। असली लीफ को ट्रेस करना और मजेदार है। हो गया, अब इसे निकाल लेते हैं। और ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। अब इयररिंग बनाने के लिए हुक अटैच करते हैं। बढ़िया, अब एक और। ये पहनने के लिए तैयार है। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। लो, बढ़िया, मैं इन्हें ट्राई करूं। कैसे लग रहे हैं? बढ़िया है। ये, हे भगवान, मुझे बहुत पसंद आए। ये बिल्कुल असली लीव्स की तरह लग रहे हैं। बहुत सुंदर। खैर, तो चलो, अब तुम और परेशान नहीं होगी। लाइफ अप्स एंड डाउन से भरी है। अगर तुम्हारे पास 3D पेन और ग्लू गन है तो ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। आपका फेवरेट हैक कौन सा था, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। याद रहे अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना, और ऐसी बढ़िया वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।